आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वही नगर निगम का कहना है कि काफी हद तक वह उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। इस बात को लेकर मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि 31 जनवरी तक हमने देहरादून के 82 स्थानों में से लगभग 65 स्थानों से डस्टबिन हटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन जगहों पर आने वाले सॉलिड वेस्ट पर भी अलाइनमेंट करके यह सुनिश्चित किया गया है कि वह गार्बेज पॉइंट ना बने, और बचे हुए स्थानों पर भी अलाइनमेंट करके डोर टू डोर कूड़ा उठान की कड़ी को मजबूत करके हम डस्टबिन को हटाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। देखिए, हम लोगों को जो टारगेट दिया गया था वो 31 जनवरी तक डस्टबिन फ्री सिटी करना था, और हम लोग बिल्कुल उसके निकट हैं। 31 जनवरी तक हम लोगों ने जो हमारे 82 स्थानों पे जो डस्टबिन थे उसमें से लगभग 65 स्थानों से हमने डस्टबिन बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं, और वहाँ पे आने वाले जो हमारा सॉलिड वेस्ट था जो रोड स्वीपिंग का था उसका भी हम लोगों ने जो नए वाहन मिले थे उसके थ्रू अलाइनमेंट करा के जो सुनिश्चित कर लिया है कि उन स्थानों को जो है गार्बेज मिनरल पॉइंट्स ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे 15-20 स्थान अभी रह गए हैं उसमें भी प्रक्रिया चल रही है, और हम लोग अलाइनमेंट कर रहे हैं उन वार्डों में कि जो है पहले कूड़ा डोर टू डोर हम लोग स्ट्रॉन्ग करके उन डस्टबिन को भी हटाने की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर लेंगे। देहरादून से अरुण कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।